बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। अल्लाह ताला सारे अपने घर खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिते व्यूअर्स, अज तुहानू गोश्त बनाने की ऐसी रैसिपी दसागी कि उहदे लई तुसीं बेशक कढ़ाई गोश्त बनाना है या तुसीं शोरबे वाला बनाना है, जिहड़ा भी तुसीं बनाना है, सिर्फ 10 तो 15 मिनट लगनगे ते तुहाड़ा गोश्त जिहड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके नाल गल जाएगा। सिर्फ दो बहुत ही सस्तियां चीज़ां तुसीं उहदे विच शामिल करनियां वा, ते उस तो बाद दे विच की प्रोसेस है उहनूं पकाउण दा, इह नहीं कि तुसीं चीज़ां शामिल कर दित्तियां ते गोश्त तुहाड़ा गल गया। वीडियो नूं तुसीं फुल देखना है, वीडियो नूं स्किप नहीं करना। यह देखो नॉर्मल साइज़ दियां बोटियां वा, ते बोटी थोड़ी छोटी करवा लो ते उही बेहतर आ। ते इहनूं मैं अच्छे तरीके दे नाल पहले वॉश कर लिया सी, लेकिन ठंडा पानी शामिल करन तों बाद इहदे विच मैं 3 तो 4 चम्मच सिरके दे शामिल कीते। तो यह दूसरी चीज़ जी मेरे को हैगा मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा हों, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा जरा आप चनिया वगैरह लाई दा वा। तो ये इन पा के यू तकरीबन 10 तो 15 मिनट वास्ते यू आप डिप करके रख देंगे। उन्नी देर आप बाकी जरा प्याज टमाटर वगैरह जड़िया चीज़ा आप शामिल कर सालन के आप तैयार कर लें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना क्योंकि वह चीज़ा कट्ट के तो आप टाइम लगना ही लगना है। इतने तकरीबन 15 तो 20 मिनट हो गए से। तो एक कप मैं घी का शामिल किया वा, तो ये लसन तो अदरक का पेस्ट शामिल कर दिता। लसन अदरक का कच्चापन खत्म हो गया तो वो मैं 4 मीडियम साइज़ के जोड़े प्याज आ कट के बारीक शामिल कर दिए। प्याज में थोड़ा जहा बस आप कलर चेंज करा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यह देखो प्याज थोड़ा जहा अपना सोटे हो गया वा, सोटे तो थोड़ा जहा ज़्यादा हो गया वा, तो बस हम ये आप घी सॉरी गोश्त शामिल कर देंगे। तो इनू आप हूँ फुल फ्लेम पर इनू पकाना वा, तो ताकि जिहड़ा इहदा पानी वगैरह इन्हें छड़ना वा वो सारा खुश्क हो जाए। जिनी देर तक गोश्त का पानी खुश्क नहीं होएगा उन्नी देर तक आपां इहदे विच नैक्सट प्रोसैस नहीं करना है। देखो हजे पानी हैगा वा, तकरीबन 4 तो 5 मिनट लगनगे। तो चुल्हे के फ्लेम का भी फर्क हुंदा वा, जिन्नी ज़्यादा होएगी हीट थोड़े चुल्हे की। तो यह देखो माशाल्लाह हुण तकरीबन 5 मिनट लगे तो जिहड़ा घी उपर आना शुरू हो गया, तो पानी गोश्त का जिहड़ा असल पानी है वह खुश्क हो गया वा। हुण इहदे विच आपां 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर पा देंगे, इनू मिक्स करेंगे। तो यह देखो गोश्त तकरीबन अपना ना 80% डन हो चुके वा, क्योंकि जरा पानी इन्हें छड़िया उसी पानी के इनू मैं पका लिया सी। ढक्कन ये उपर मैं नहीं सी रखिया, वैसे ही पकाया ताकि जी कोई एक्स्ट्रा स्मैल वगैरह होंगी है वो भी सारी निकल जाए। तो 1 चम्मच हल्दी का शामिल कर दिता वा। ये मेरे को 1.5 किलो गोश्त आ, तो 1.5 किलो गोश्त के हिसाब न 1 चम्मच हल्दी का शामिल किया वा। बाकी जो आम मसाले होंगे आप घट वध भी कर लईदे आ, कभी जरूरी नहीं कि इन्ना ही पाना वा। कुछ रैसिपीज़ होंदिया वा उन्होंने थोड़ा होंदा वा कि उस तो वध घट करा तो हो जाएगा मसला चीज़ का टेस्ट का। तो तकरीबन 1.25 चम्मच ये मैं सुरख मिर्च का शामिल कर दिता वा, 1 चम्मच नमक का शामिल कर दिता वा। तो इन्हों की हम बनाई करेंगे, बहुत घट मसाले होर कोई चीज़ आप एड्डी खास या कोई नहीं पाई कि जी थोड़ा बहरों लैके आनी पवे। यह सिर्फ नमक मिर्च तो हल्दी मैं ये शामिल की है थोड़े सामने। तो वीडियो में तुम फुल वाच करो, वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत होंगी है, नवे यूट्यूबरस भी सपोर्ट करो। कोई देखेगा साड़िया वीडियोज़ तो फिर ही साड़िया वीडियोज़ जड़िया वो ग्रोथ में जाएगियां, फिर ही साड़ा चैनल ग्रो होएगा। तो यह देखो माशाल्लाह गोश्त अपना तकरीबन 80 तो 90% तक गल गया वा, जिन देर तक टमाटर वगैरह का पानी खुश्क होया वा। तो इनू अच्छे तरीके आप मसालिया के नाल भी भुन लिया वा। तो हुण इहदे विच मैं 3 गिलास पानी दे शामिल कीते आ, क्योंकि इनू मैं इसी तरह पकावगी, इनू मैं कुकर वाला जड़ाना ढक्कन नहीं लावगी। जो तुम्हें इनू कुकर च पकाना तो सिर्फ 1 गिलास पानी का ये पका के इनू तो कर लिया जाए तो बिल्कुल अच्छे तरीके जल्दी गल जाएगा, क्योंकि मैं कुकर तो बगैर पका रही हूँ इनू। तो वो थोड़ा जहा यह वा कि टेस्ट जिहड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता वा जो आप कुकर तो बगैर कोई चीज़ बनाई दी है। तो देखो माशाल्लाह जबरदस्त जहा गोश्त अपना तैयार हो गया वा। इनू तुसी बेशक कढ़ाई गोश्त कह लो या इनू तुसी वैसे ही गोश्त की भुजिया कह लो, बुनिया हुआ गोश्त जो मर्जी यदा नाम रख लो, लेकिन असल ये चीज़ जी थानू मैं दसी आ कि तुसी पकाना किस तरीके कि देर तक तुसी इनू पकाओगे तो ये अच्छे तरीके गल जाएगा। तो देखो सिर्फ 15 तो 20 मिनट के दौरान साड़ी हांडी जी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो एंड दे विच इहदे उपर मैं सब्ज़ धनिया सुका होया ते सब्ज़ मेथी जी कसूरी मेथी होंदी आ वो पा दी है। थोड़ी देर लई बाद विच लिड लाया सी ताकि सारे मसाले एक दूसरे च रच बस जाए। देखो माशाल्लाह जबरदस्त जी अपनी गोश्त की लुक फाइनल
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।